Hey, y'all, come look at this. तो गाइस जब से मैं DSLR में वीडियो और फोटो लेना स्टार्ट किया मेरे को मन कर रहा है मोबाइल फेंक दूं। हेलो स्मार्ट पीपल, इट्स मी आगरा आते हैं बैक विद ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई आप लोग अगर मेरे रिसेंट वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि मैं एक DSLR परचेस किया हूँ और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो अभी मेरे पास है कैनन 3000D, तो इसकी हम लोग आज अनबॉक्सिंग करने वाले और मैं यहाँ की लोकेशन पर आया हूँ ताकि आपको अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाऊंगा। तो लोकेशन आप देख लो एक बार, ये लोकेशन है। तो अभी चलो फिर आपको मैं इसका फटाफट अनबॉक्सिंग रिव्यू दे देता हूँ, आप वीडियो में एंड तक देखते रहो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, तो इस तरीके से कुछ खुलेगा। ये बैग आपको फ्री मिलेगा अगर आप DSLR कोई भी खरीदोगे तो। और ये तो पहले हम लोग ये सब साइड में रखते हैं, निकालते अपना DSLR। तो गाइज ये मेरे हाथ में आ गया है DSLR, जो कि इसके साथ आपको ये लेंस मिलता है 18-55 का EOS, जो कि कैनन की ब्रांडिंग यहाँ पे है EOS 3000, जो कि मैं आपको लेंस निकाल के दिखाता हूँ। आपको ये बटन प्रेस करके ही लेंस निकालना है, तो आप देख सकते हो ये लेंस है 18-55 का और कुछ अंदर से कुछ इस तरीके का रहता है। तो अभी हम इसको लगाएंगे, लगाते टाइम आपको डायरेक्ट लगाना, बटन प्रेस नहीं करना है। तो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। लग जा मेरे भाई, लग जा मेरे लाल। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। लग गया और सबसे पहले हम इसे हटाएंगे। आप ये देख सकते हो यहाँ पे बटन रहती है, जो कि बहुत सारे फीचर्स है मैनुअल ऑटो की, जो कि अभी मुझे भी बहुत सारी चीज़ सीखने की ज़रूरत है। ये हॉटस्पॉट वाईफाई वाला है, जिससे आपको एक आप इससे फ़ोटो ले सकते हैं जो भी आप खींचेंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और यहाँ पे अगर हम इसे खोलेंगे तो इसके अंदर मिलेगी आपको एक बैटरी, जो कि कुछ इस तरीके की आती है, कैनन की बैटरी। और इसके अंदर मिलता है एक मेमोरी कार्ड, जो कि मुझे मिला था 32 GB का, देख सकते हो आप, अल्ट्रा का। और इसे हम अभी लगा के फ़िलहाल रखेंगे और चलो आपको कुछ सैम्पल पिक्चर्स क्लिक करके दिखाते हैं। तो इसे कुछ इस तरीके से ऑन करना है हमें, और फर्स्ट टाइम ऑन कर रहा हूँ तो मैं इसे ऑटो पे ही यूज़ करूँगा। देख सकते हो आप, इस तरीके का कुछ यहाँ पे दिख रहा है व्यू। आया 55-250 लेंस। अभी कुछ इसके सैंपल्स मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो गाइज अब हमारी बारी है वीडियो टेस्टिंग। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो बन रही है हमारे DSLR कैमरे में, कैनन 3000D में। तो गाइज जब से मैं DSLR में वीडियो और फोटो लेना स्टार्ट किया मेरे को मन कर रहा है मोबाइल फेंक दूं। फिर आप देख लो क्वालिटी कैसी है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब सब करो। तब तक के लिए बाय।